हेलो दोस्तों, अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम स्विफ्ट की बैकलाइट है जो ड्राइव साइड की, वो चेंज करेंगे। तो कैसे कैसे चेंज करनी है, चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये डिस्पोजल लाइट ली हमने डिस्पोजल की शॉप से, तो ये करीब 500 रुपये की आई है। तो इसको पूरा हम क्लीन कर लेते हैं, इसमें शैम्पू वगैरह डाल के, शैम्पू डाला हुआ है, शैम्पू से इसे पूरा क्लीन कर लेंगे हिला हिला के। और इसके अंदर वैसे सारा प्लास्टिक होता है, कोई भी जंग वाली चीज़ नहीं होती, तो आराम से क्लीन कर सकते हो आप। बाद में सुखा के फिर इसको लगाएंगे। एक चीज़ ध्यान रखिए, इसके अंदर ऐसे कपड़ा वगैरह मत लगाएं, ऐसे ये अंदर से स्क्रैच वगैरह पड़ जाएंगे। तो ऐसे पानी निकाल के अभी इसमें से साफ़ पानी निकाल लेते हैं पूरा। दोस्तों, अगर आप गंगानगर या उसके आसपास कहीं से बिलोंग करते हो तो डिस्पोजल पार्ट्स ही आप यहाँ से चौधरी डिस्पोजल से खरीद सकते हैं। इनके पास काफ़ी अच्छा कलेक्शन है, छोटे सेंसर से लेके इंजन तक आपको सारा कुछ मिल जाएगा और रीजनल रेट पे मिल जाता है, तो आप ट्राई कर सकते हैं। तो इसको पूरा क्लीन कर लेते हैं ऐसे 3-4 बार पानी निकाल के, तो जो भी इसके अंदर मिट्टी वगैरह होगी वो सारी बाहर आ जाएगी। अभी इसको हम पूरा सुखा के धूप के अंदर फिर फिट करेंगे, नहीं तो इसके अंदर मॉइस्चर वगैरह जैसे शीशों के ऊपर आ जाता है तो वो फिर बाद में दिक्कत करेगा। तो पहले पूरा सुखा के फिर इसको फिट करेंगे हम। दोस्तों, सबसे पहले ये लॉक निकालने होंगे हमें, तो ये बड़े आराम से निकल जाते हैं ऐसे करके। तो दोनों लॉक निकाल लेते हैं। इसके बाद में यहाँ अंदर इसके नट लगे थे दो, मैं दिखाता हूँ आपको। ये वाले दो नट लगे हुए हैं, देखो, एक तो ये रहा और एक ये रहा। ये 10 नंबर के नट है, तो मैंने लूज कर लिए पहले इनको। ये वाले खोल लेते हैं, ये पूरी कुछ लाइट वेट बाहर आ जाएगी। प्लास्टिक का लॉक बच गया है, मैं आपको दिखाता हूँ उसको। ये वाला जो लॉक है इसको प्लायर से दबा के दोनों तरफ से फिर निकालना पड़ेगा, तभी ये पूरी लाइट बाहर आएगी। ये वाला जो है इसको दोनों तरफ से दबा के, लॉक टाइप होता है, फिर ये लाइट पूरी बाहर आ जाएगी। दोस्तों, वो लॉक निकाल दिया हमने। ये अंदर से जैसे ये वाला लॉक है, तो ये वाला लॉक अंदर से ऐसे प्रेस करके इसे प्लायर से ऐसे बाहर आ जाएगा पूरा पूरा। तो ये दो नट लगे हुए हैं, दो नट और एक ये लॉक है, तो ये ऐसा ही सिस्टम है। और इसको जो है ये है, ये घुमा के ऐसे फिर निकाल देंगे। ये इधर वायर के लोग हैं ताकि वायर उधर टकराए ना। ये पूरी पूरी रिमूव हो गई अभी। ये वाला लोग हमें निकालना पड़ेगा, इसके अंदर गोल टाइप का लगा होता है, ये निकाल के पुराने लाइट पर लगा देंगे और ऐसे कैसे फिट कर देंगे इसको। ये वो सल है प्लास्टिक की, ये भी संभाल के रखें, अगर पुरानी लाइट नई लाइट के साथ नहीं आई तो ये भी लगानी पड़ेगी आपको। और ये जो वाइब्रेशन को रोकते हैं पैड, ये पैड भी वैसे लगे होते हैं, अगर नहीं लगे तो ये भी आप रिमूव करके दोबारा लगा सकते हैं। और ये वाली चीज़ है, ये वाली रिमूव होगी यहाँ से, इसको रिमूव कर लेते हैं। इसमें दो नट लगे हैं, घर पे आप बड़े आसान तरीके से इसको चेंज कर सकते हैं। तो हमने जो ली वो ओरिजिनल लाइट है, ओरिजिनल लाइट वैसे आप लोगे तो लगभग 2500-3000 की आएगी, और यहाँ से अगर लोगे तो आपको मिल जाएगी वो 1000 रुपये से लेके 500 से लेके 1000 तक। ये दोस्तों सारे रिमूव हो गए, ये पुरानी लाइट है, तो अभी इसको चेंज कर देते हैं। दोस्तों, अभी ये वाली चीज़ टाइट कर देते हैं हम, जो पुरानी लाइट लेके आए थे। इसको लॉक वगैरह सही से अलाइन कर लें। ये वाली चीज़ पूरी टाइट हो गई है। अभी देखो, इसमें एक तो ये वाला लॉक लगा होता है जो हमने बाहर निकाला था, ये पूरा ऐसे हिला के निकालोगे तो निकल जाएगा ये। तो ये यहाँ पे इस जगह लगेगा, ये वाला ऐसे नहीं ऐसे लगेगा। और एक ये वाला लॉक होता है, ये यहाँ लगेगा ये वाला। तो पहले हम जो ये लाइट्स है इनको क्लीन कर लेते हैं। तो जो येलो वाली लाइट है इसमें वाइट में वाइट वाले में लगेगी। इसमें जो येलो लाइट है, ये टिप्पर की लाइट होती है। और ये वाली जो बड़ी लाइट है ये इसमें लगेगी, और ये छोटी वाली इसमें लगेगी। तो इसको एडिटिंग कर देते हैं।
ये वाला लोक अलाइन कर लें, और ये वाला लोक है यहाँ से ये डलेगा इस तरीके से दिख रहा होगा आपको। ये लो दोस्तों लाइट पूरी फिट हो गई है। अब इसके अंदर के नट्टा वो टाइट कर देते हैं। ये लॉक लग गया अभी भी, ये बाहर नहीं आएगी अभी, जरा लॉक लग गया अभी ये बाहर नहीं आएगी। अभी इसका नट टाइट करते हैं। ये सिंपल नट्टा है जैसे हमने खोले थे, ये नट पूरे टाइट कर देते हैं। दोस्तों अगर जानकर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। थैंक यू दोस्तों।